दोस्तों हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ओशियन कहाँ है और हम इंडियंस गोवा के कुछ बीचेस पर क्यों नहीं जा सकते। दोस्तों क्या कभी आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि पुराने समय में जब मिलिट्री के पास अच्छे व्हीकल्स नहीं थे तो वो बड़ी बड़ी मशीन्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते थे और कैसे एक मरे हुए व्यक्ति ने अपनी ही मर्डर की गुत्थी सॉल्व की थी, जानेंगे धुआंधार फैक्ट्स भरे आज के इस नए एपिसोड में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि ट्रेन में भी गियर होते हैं, और अगर होते हैं तो कितने होते हैं, और क्या ट्रेन में भी रिवर्स गियर होता है, क्योंकि ट्रेन्स तो उल्टी भी चलती है ना। वेल दोस्तों ट्रेन में कन्वेंशनल टाइप के गियर्स नहीं होते और ट्रेन में गियर को नॉचेस कहा जाता है। अब वैसे तो नॉचेस स्पीड के अकॉर्डिंग ही चेंज किए जाते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में यह गियर से काफी अलग होते हैं और इसे बार बार चेंज नहीं किया जाता। बस ट्रेन की स्पीड जब कम करनी होती है तो नॉचेस को नीचे कर दो, और अगर स्पीड बढ़ानी है तो नॉचेस को अप कर दो। और अब तो नॉचेस को रिवर्स में करके ट्रेन को उल्टा भी चलाया जा सकता है, लेकिन बस उल्टी चलाने पर ट्रेन स्लो चलती है और इसे इमरजेंसी में ही यूज किया जाता है। अब क्योंकि ट्रेन को दोनों तरफ से चलाया जा सकता है और अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो इंजन को खोल के घुमा कर पीछे की तरफ लगा दो और ट्रेन को चलाओ। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आज के समय में वीडियो गेम तो ज्यादातर लोग खेलते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक बार स्पेस में भी एक गेम खेला गया था। जी हाँ दोस्तों, साल 1999 में नासा के डैनियल बैरी नामक एक एस्ट्रोनॉमर STS-96 मिशन के दौरान स्टारक्राफ्ट नाम का एक वीडियो गेम खेला था, जिसे वो अपने साथ स्पेस में ले गए थे। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इंडियंस का टीनेज का एक ख्वाब गोवा जाने का होता है, लेकिन यार आपसे कहूं कि अगर गोवा में कई सारे बीचेस ऐसे हैं जहां हम इंडियंस को जाना अलाउ ही नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। वेल दरअसल हम इंडियंस को ही अपने देश के इन बीचेस पर जाने की परमिशन इसलिए नहीं है क्योंकि इन बीचेस पर फॉरेनर गेस्ट आराम से बिकनी पहनकर और कुछ जगहों पर तो नेकेड घूमते हैं, और जाहिर सी बात है कि भारतीय लोग अभी इस तरह के विदेशी कल्चर को नहीं अपना पाए हैं और उन्हें ऐसे माहौल में दिक्कत ना हो इसलिए इंडियंस के लिए इन बीचेस पर एंट्री बैन कर रखी हुई है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों क्या आप मई मंथ में पैदा हुए हैं? अगर हाँ तो अगला फैक्ट आपके लिए ही है। दरअसल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने हाल ही में एक स्टडी में बताया है कि मई में जन्मे लोगों में बीमारी होने की संभावना सबसे कम होती है, वहीं अक्टूबर में पैदा होने वाले व्यक्ति के बीमार होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। वैसे यार आप किस मंथ में इस दुनिया में आए थे और क्या ये स्टडी सही लग रही है आपको, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या कभी आपके दिमाग में भी ये सवाल आता है कि पुराने समय में जब मिलिट्री के पास अच्छे व्हीकल्स नहीं थे तो वो बड़ी बड़ी मशीन्स को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते थे। वेल हम आपको बता दें कि ये सब काम साइकिल पर किया जाता था, और हमने सिर्फ 100 सालों में कितनी तरक्की कर ली है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 1900 में मिलिट्री द्वारा साइकिल का उपयोग किया जाता था और उन साइकिल्स में पहिया रबड़ के नहीं बल्कि स्प्रिंग्स के हुआ करते थे। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों एक ऐसी जगह है जहां आपको 600 करोड़ रुपए पानी के ऊपर तैरते हुए मिल जाएंगे। वेल दरअसल यमन के किनारे पर एक जहाज बंधा हुआ था और फिर एक दिन अचानक से उसकी रस्सी टूट गई और ये पानी में बहकर काफी दूर निकल गया। अब इस शिप में बहुत सारा ऑयल था और उसे ढूंढने में और वापस लाने में बहुत खर्चा हो रहा था, तो इसके मालिक ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि तब ऑयल की कीमत इतनी ज्यादा नहीं थी, और तब से ये शिप अभी भी समुद्र में कहीं तैर रहा है। वैसे आज उसका मालिक पछता रहा होगा क्योंकि इस शिप में 612 करोड़ का ऑयल ऐसे ही पड़ा हुआ है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों यूट्यूब कंपनी का लॉस एंजलिस में खुद का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिसमें आप फ्री में अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो शूट कर सकते हैं, लेकिन बस यूट्यूब कंपनी की एक कंडीशन है कि आपके यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 10,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों वैसे तो किसी को भी पुख्ता तौर पर नहीं मालूम कि आखिर भगवान राम ने अयोध्या पर कितने साल शासन किए थे, पर फिर भी प्राचीन ग्रंथों और पुराणों के आधार पर ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने अयोध्या पर करीब 10,013 साल राज किया था और वह 10,052 साल की एज में देवलोक चले गए थे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने अब तक कई सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जिन्हें वर्ल्ड स्मॉलेस्ट का दर्जा प्राप्त है, जैसे वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैट, डॉग, वुमेन वगैरह वगैरह, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया की सबसे छोटी काउ यानी कि सबसे छोटा गाय देखा है? अगर नहीं तो मिलिए रानी से जो बांग्लादेश में रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसकी उम्र 2 साल है और उसकी हाइट बस 20 इंचेस ही है। अब नॉर्मली 2 साल की
की काउ का वेट 200 से 300 किलोग्राम होता है, लेकिन रानी का वेट केवल और केवल 23 किलोग्राम का ही है। फैक्ट नंबर 6 है, दोस्तों कई बार तो ऐसा हो चुका है कि रात के अंधेरे में लोगों को सितारों की चमकती हुई ट्रेन दिखाई देती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ना तो ये कोई स्टार्स होते हैं और ना ही UFO, बल्कि ये स्टारलिंक के द्वारा भेजे गए इंटरनेट सैटेलाइट्स हैं, जिनका मेन मकसद साल 2027 तक पृथ्वी के हर कोने कोने में इंटरनेट को प्रोवाइड करना है, क्योंकि दुनिया में अब भी 40% ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट उपलब्ध ही नहीं है। और ये इंटरनेट सैटेलाइट कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये सैटेलाइट आप तक इंटरनेट पहुंचाएगी ही। अब इसके बारे में एक इंटरव्यू में इलोन मस्क ये भी कह चुके हैं कि ये एक पिज्जा की जितनी छोटी सी डिस्क होगी जिससे हर कोई कनेक्शन ले सकता है, जिसे आज SpaceX के द्वारा बनाया जा रहा है। ये वाकई अद्भुत है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि आगे चलकर ये इंटरनेट सैटेलाइट स्पेस डिब्रीज को और ज्यादा बढ़ा देगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जापान में क्राइम रेट इतना कम है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जापान में बंदूक की गोली से मरने की संभावना और अमेरिका में बिजली गिरने से मरने की संभावना दोनों एक बराबर है। जी हाँ, इन दोनों मामलों में ही मरने की संभावना 10 मिलियन में से एक है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों दुनिया भर में जब भी कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती है तब वो घुमा फिरा कर लड़के से अपने दिल की बात बोल ही देती है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ की लड़की अगर किसी लड़के को पसंद करती है तब वो उससे उसकी शर्ट का सेकंड बटन मांगती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शर्ट का सेकंड बटन आपके दिल के बेहद करीब होता है, और ऐसे में जापानीज लड़कियां बटन की जगह लड़के से उसका दिल मांग रही होती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों धरती पर मौजूद सबसे बड़ा ओशियन यानी कि पैसिफिक ओशियन के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर कहां पर मौजूद है? वेल, आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि पृथ्वी पे ही होगा, तो आपको जान लेना चाहिए कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर और कहीं नहीं बल्कि जुपिटर के आसपास है। दोस्तों अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, वो तो एक गैस जायंट प्लैनेट है जो हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, और वहाँ पे कहाँ से पानी का महासागर आएगा? वेल, आप जान लीजिए कि वहाँ पे पानी का महासागर नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन का महासागर है, और वो भी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर के अंदर जाने पे प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस कंपोज्ड होकर लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है, और इसी तरीके से हमें मिलता है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों जब भी भारत के सबसे लंबे व्यक्ति की बात होती है तब हमारे मन में ग्रेट खली का नाम आता है, जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रेट खली भारत की सबसे लंबे व्यक्ति नहीं है बल्कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह ही वो आदमी है जो खली से भी लंबे हैं। इनकी हाइट 8 फीट 2 इंच है, और हैरानी की बात तो यह है कि इनकी यही हाइट इनके लिए मुश्किल बन गई है, क्योंकि अब ये ज्यादा लंबे होने के चलते बिना सहारे के चल भी नहीं पाते। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों बेनु एस्ट्रॉइड की आपने कई सारी इमेजेस देखी होंगी जिनमें वो बहुत डार्क नजर आता है, लेकिन क्या सच में बेनु एस्ट्रॉइड इतना काला है? अगर है तो क्यों? वेल, तो आपको बता दें कि बेनु एस्ट्रॉइड को बी टाइप एस्ट्रॉइड में गिना जाता है, जो बेनु में बहुत ज्यादा कार्बन मौजूद होने का एक संकेत है, और यही वो कारण है कि बेनु आने वाली लाइट का केवल 4% हिस्सा ही रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि 96% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से ये इतना ज्यादा डार्क दिखाई देता है। तो दोस्तों ये थी धुआंधार फैक्ट से भरी आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।